जो 5 लोग कल पकड़े गए उनमें सबसे पहले हैं कवि वरवरा राव। इनको माओवादी समर्थक माना जाता है, तेलुगु भाषा के कवि हैं, 20 से ज्यादा भाषाओं में इनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है। माओवादियों और सरकार के बीच ये वार्ताकार रह चुके हैं और इसके पहले भी इनको कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है इन्हीं वजहों से, जैसे आरोप इन पर आज लग रहे हैं। दूसरी गिरफ्तारी हुई बेनन गोंजाल्वेस की, जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। 2007 में इनको आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। इन पर 17 केस दर्ज हुए लेकिन उसमें से 16 में इनको बरी कर देना पड़ा। एक आर्म्स एक्ट के केस में नागपुर कोर्ट ने इनको सजा जरूर सुनाई। इनके बाद 2007 में ही अरुण परेरा को भी गिरफ्तार किया गया, जो वकील हैं। वो 10 केस में आरोपी बनाए गए लेकिन सबके सब केस में बाद में इनको बरी कर देना पड़ा। सुधा भारद्वाज दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कही जाती है। ट्रेड यूनियन की राजनीति से सुधा भारद्वाज जुड़ी रही हैं और इन पर यह आरोप लगा कि छत्तीसगढ़ में माओवाद का यह समर्थन करती हैं। पांचवां और आखिरी नाम इस मामले में है गौतम नवलखा का, जो पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ईपीडब्ल्यू पत्रिका के पूर्व संपादक रह चुके हैं, पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट से वो जुड़े हुए हैं और कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थक इनको माना जाता है। अब इससे पहले कि जांच एजेंसियां इन गिरफ्तारियों के बाद चार्जशीट जैसा कुछ करती, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। कुछ एक्टिविस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में इन गिरफ्तारियों को गलत बताते हुए अर्जी लगा दी, जिसके बाद अदालत ने जांच एजेंसियों से कुछ तल्ख सवाल भी पूछे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई नक्सलवाद को दबाने की आड़ में विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है, जैसा विपक्ष का आरोप है? क्योंकि जिस माओवाद के समर्थक इन लोगों को कहा जा रहा है, उस माओवाद की राजनीति करने वाली पार्टी सीपीआई माओवादी पर यूपीए की सरकार भी बैन लगा चुकी है और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले नेताओं को मार देने के आरोप भी यूपीए की सरकार पर लग चुके हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का भी आरोप है कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे कुछ सीधे सवाल। सवाल ये कि क्या ये जंग राष्ट्रवाद और नक्सलवाद की जंग है? क्या वाकई सरकार विरोध की आवाजों को दबाने का काम कर रही है? सवाल यह भी पूछेंगे कि लोकतंत्र के नाम पर क्या नक्सलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है? और सवाल आज यह भी पूछा जाएगा कि न्यू इंडिया में आपातकाल का नारा क्या केवल राजनीतिक है? और आखिरी सवाल यह पूछा जाएगा कि देश की सुरक्षा पर क्या वाकई राजनीति होने लगी? वर्तमान प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश हो रही हो, उसमें लोग पकड़े जा रहे हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए या उनको डिफेंड करना चाहिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अर्बन नक्सल्स के नाम से जिस तरह से पकड़ धकड़ हो रही है और सोशल एक्टिविस्ट को पकड़ा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सीधा सीधा अधिकारों पर हमला है, मानवाधिकारों पर हमला है। इसकी निंदा की जाती है। और ये क्यों हो रहा है इस तरह से? एक तरफ आप सनातन संगठन, वो डिमांड करता है कि संविधान से सेकुलर शब्द को हटा लिया जाए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर दी जाए, उसी को संदर्भ में तत्काल ताबड़तोड़ इस तरह से जगह जगह पर आप छापेमारी करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं तो और क्या कहा जाए? देखो, ये विपक्ष की ये भूमिका बहुत ठीक लगती नहीं है। ये पुलिस की कार्रवाई है, पुणे पुलिस ने काम किया है, कार्रवाई की है। देश के हित में और देश के अहित में, समाज के अहित में जो काम करते हैं, संविधान के खिलाफ कोई काम करते हैं, संविधान को चैलेंज करते हैं, लोकतंत्र को चैलेंज करने वाली संगठन है नक्सलवादी, नक्सलवाद, माओवाद, अगर इसमें अगर कोई लिप्त होने के पूरा कुछ साबूत सामने आए हैं पुलिसों के, तो कार्रवाई की गई है, यही मेरी धारणा है। पुलिसों को तो विशेष निर्देश दिए नहीं गए थे, कोई ना सीएम ने दिए हैं ना गृह मंत्रालय ने दिया है। खुले जांच चलती है, वो जांच में हमने बाधा नहीं डालनी चाहिए। हम तो इन्वेस्टिगेशंस के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े कि प्रधानमंत्री के असैसिनेशन का प्लॉट था, जो बाद में तो खबर मैंने केवल सुनी इस बाजू की और उस बाजू की कि वो सही नहीं था, वो झूठ था वगैरह, पर अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन उस समय से जारी है तो अभी ही एक ही दिन सभी राज्यों में एक साथ अरेस्ट और रेड,
निश्चित ही एक बना बनाया कॉन्स्पिरेंसी या प्लॉट दिखता है, और अगर इतने गंभीर आरोप है राइटिंग के वगैरह तो इसकी बहुत ही गंभीर जांच होनी चाहिए। वो इतने थोड़े समय में जांच हुई कि पहले से इन्होंने दबा के रखा था और अभी अचानक एक साथ सामने लाया, इसके जवाब भी तो सरकार को देने चाहिए। पुलिस का काम है, अगर प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने का उद्भेदन में नाम आएगा तो क्या उसे माला पहनाएगी पुलिस? नाम आया है, उन्हें पकड़ने का काम किया है। जो देश के अंदर में केवल प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करे उसको लोग छोड़ दे और उसके पक्ष में लोग खड़े हों? वो एक दलित मुद्दे पर वहां प्रदर्शन हुआ था और देश के तमाम दलित एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसमें भाग लिए थे, उसको समर्थन किया था, उन पर हमला हुआ था। जो हमले किए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, और जो वकील इन केसेस में दलित एक्टिविस्ट के केसेस को टेकअप कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको माओवादी कह रहे हैं, तो ये सरासर झूठ है, ये झूठा केस है। हम इसको वापस करने के लिए मांग करते हैं, और जिनको अरेस्ट किया गया है ये यही लोग नहीं, उनके पहले चार और लोगों को अरेस्ट किया था, उनको रिहा करना चाहिए। किन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और किस वजह से गिरफ्तार किया? पुलिस ये स्टोरी बना रही है कि ये लोग भीमा कोरे गांव में कोई नक्सल एंगल है और ये लोग सब अर्बन माओवादी हैं। ये एक पूरा स्क्रिप्ट जो कि सरकार और सरकार के स्पोक्समैन और उनके कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के कब्जे में है जो ये पूरा स्क्रिप्ट बना रहे हैं, तो ये तो एक तरह का डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ही हो गया।